लोग ने आज ज्वाइन किया है. एंड पार्टिसिपेंट्स में हमारे साथ आज आईटीआईज के सारे डिस्ट्रिक्ट से आईटीआईज के पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लस एसडीडी डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शनरीज हैं. सो वार्म वेलकम टू एवरीवन. एंड ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू एसीएस मैडम. मैम विल गिव हर ओपनिंग रिमार्क्स ऑन स्फूर्ति का कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये हम लोगों ने क्यों शुरू किया. सो थैंक यू एवरीवन एंड ओवर टू यू मैम. आई वेलकम डॉक्टर आर एस प्रवीण. He is our first speaker of a series we have launched, which is called Sphurti. It will be a monthly activity where we will be inviting officers, people, leaders, community workers who have done excellent work in the area of education, skill, training, and other activities related to skill development department and entrepreneurship. So he will be speaking with us for almost an hour. Subsequently, you will get some time to also interact with him. Okay, ma'am, in the meanwhile, I will just request Joint Secretary Dr. Suvarna Kharat to please introduce our speaker for today. Suvarna ma'am. Namaskar. Mi ata agdi thodkyat Dr. Praveen Kumar yancha parichay karun dete. डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार हे इंडियन पोलीस सर्विस म्हणजेच आय पी एस ऑफिसर असून सध्या तेलंगणा राज्यातील सोशल वेलफेअर आणि ट्रायबल वेलफेअरच्या ज्या रेसिडेन्शियल स्कूल्स आहेत, रेसिडेन्शियल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्या सोसायटींचे सेक्रेटरी म्हणून काम पाहत आहेत. ते 1995 आय पी एस बॅचचे अधिकारी असून त्यांनी हार्वर्ड या जगप्रसिद्ध विद्यापीठातून मास्टर्स इन पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनची पदवी घेतलेली आहे. तसेच एडवर्ड मेझन फेलोशिप देखील त्यांना मिळालेली आहे. त्यांचा जन्म हा आलमपूर या तेलंगणामधील एका छोट्या शहरातील असून त्यांच्या या नेतृत्वाखाली वंचित समाजातील मुलांसाठी असलेल्या निवासी शाळांची दैदिप्यमान अशी प्रगती होत आहे आणि त्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. श्रीयुत प्रवीण कुमार यांनी सुरू केलेली स्वरोज च्या चळवळीची प्रशंसा होत असून या चळवळीचे ते जनक ठरलेले आहेत. सोशल वेलफेअर एरोज, एरोज या ग्रीक शब्दाचा अर्थ आकाश असा असून वंचित गटातील मुलांना आकाश किंवा आसमंत ही तुमची मर्यादा असून आता परत मागे फिरणे नाही असा जबरदस्त आत्मविश्वास त्यांनी या चळवळींमधून मुलांमध्ये निर्माण केलेला आहे. स्वायरोज विद्यार्थी हे केवळ शिक्षणामध्येच नाहीत तर कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा आणि विविध गेम्स याच्यामध्ये देखील यश मिळवत आहेत. स्प्रिंगर पब्लिकेशन या जगातील नामांकित पब्लिकेशन कंपनीने एम्पावरिंग टीचर्स टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड या नावाने श्री प्रवीण कुमार यांच्या कामाची मालिका जगासमोर आणली आहे. 71व्या स्वातंत्र्य दिनी श्री प्रवीण कुमार यांना उत्तम सेवेबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदकही मिळालेले आहे. तसेच 2017 त्यांना तेलंगणा राज्यातर्फे स्टेट एक्सलन्स अवॉर्ड देखील मिळालेले आहे. त्यांच्या या कामाचा गौरव हार्वर्ड तसेच ओईसीडी या ऑर्गनायझेशन मार्फत देखील करण्यात आलेला आहे. शिक्षण ही माणसाची मूलभूत गरज आहे, विशेष करून वंचित गटातील मुलांकरता. शाळांच्या चार भिंतीमध्येच जगामध्ये समर्थपणे जगण्याची क्षमता ही निर्माण होत असते. सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मुलांना आसमंतात गवसणी घालण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी व त्याकरिता प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्या स्वायरोज या अभिनव चळवळीचे उद्गाते डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार यांचे आज कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातर्फे आयोजित स्फूर्ती या गेस्ट स्पीकर मालिकेमध्ये मालिकेच्या पहिल्या भागामध्ये आपण त्यांना आज इथे आमंत्रित केलेलं आहे. आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं स्वागत. वी ऑल वेलकम यू सर. थँक्यू. थँक्यू सुवर्णाजी. सो शॅल आय स्टार्ट मॅम? येस सर, येस सर. थँक्यू सो मच. येस प्लीज डू डॉक्टर प्रवीण, वी आर ऑल ईगर टू लिसन टू यू. At the very outset, I thank Additional Chief Secretary Srimati Sujata Savnik ma'am, and Smita Jacob, and then Arushi, and then Suvarna ma'am,
And also my adarniya mantri ji Sri Nawab Malik ji ko bhi main apna pranam deta hu. मैम ये मैं सम्मान मानता हूँ कि ये स्फूर्ति का कार्यक्रम का पहला गेस्ट मुझे मुझे बनाने में आप बना के मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है. दिस इज़ अ वेरी रेयर रिकग्निशन आई हैव गॉट मैम. सो मैं आपको ये भी प्रणाम करता हूँ मैम कि आपने डिस्कवर किया मुझे थ्रू इकोनॉमिक टाइम्स एंड देन अदर मीन्स. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ. आज मैं ये चीज़ों के बारे में बता दूंगा कि मैं पिछले 9 साल से तेलंगाना के राज्य में सामाजिक कल्याण विभाग में और जनजाति के विभाग में यानी कि सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल वेलफेयर विभाग में बच्चों का शिक्षा का बारे में क्या कर सके सरकार के सहारा से और कम्युनिटी के सहारा से माँ बाप बच्चे और बाकी जितने भी समुदाय है वो लोगों के सहारा से हम क्या क्या कर सके वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ. इससे पहले आप लोगों को कई लोगों को ये शक में आए होंगे कि ये एक पुलिस वर्दी में है अधिकारी ये सामाजिक कल्याण में कैसे आ गया. ये कई लोगों को ये शक होता है. मैं उसके बारे में पहले एक दो चीज़ें बता के उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है. सुजाता सोनिक मैम ने मुझे कम से कम 45 मिनट से एक घंटे तक समय दिया है. उतना समय तो मैं नहीं लूँगा. मैं ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं थोड़ा समय ज़्यादा स्पेयर कर सकता हूँ. इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसमें मुझे एक चीज़ और अच्छा लगा मैम कि आपने न केवल आपका कर्मचारियों को बुलाया बल्कि आपने शिक्षक या विद्यार्थी और जो स्टूडेंट्स है उसके पेरेंट्स है उसको भी यहाँ शामिल किया. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम. क्योंकि मैं वो जब भी बच्चों को देखता हूँ मैम खास करके ग्रामीण गांव से जो बच्चे आते हैं तो उसको देखे तो जब मेरे ज़िंदगी याद आती है. तो मैं भी अभी सुवर्णा मैम ने अपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में ऑलरेडी कह चुकी है कि मैं ग्रामीण भारत से हूँ. तो एक वेरी इंटीरियर प्लेस है कि नलमला रिजर्व फॉरेस्ट में एक हमारा गांव रहते थे. उस गांव में हम पैदा हो गए कि और 8वीं कक्षा तक हम बिजली भी नहीं देख सके मैम. तो 1967 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा. तो अब 1970 जब 8वीं कक्षा और 8th क्लास तक मैं वो बिजली को घर में बिजली नहीं था. तो माँ बाप टीचर थे मगर उसका ज़िंदगी ऐसा था वो इंटीरियर एरियाज में कुछ भी नहीं मिलता था. अभी भी ऐसे कई गांव है कि इंडिया में जैसा आपके पास गढ़चिरौली हो या भंडारा हो हमारा पास आदिलाबाद हो अभी तो ठीक है मगर उस समय में बहुत मुश्किल था. तब भी हमने उसको एक उस वो चुनौती को देख के तो हम पीछे नहीं हटे. मैं उसके लिए मैं माँ खास करके मेरे माँ और बाप को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ. तो क्योंकि वो लोग हमेशा हमको गांव से बाहर रखने के लिए कोशिश किए और उस सिलसिले में हमने सामाजिक कल्याण के हॉस्टल्स थे तो सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स कह जाते हैं हॉस्टल्स में पढ़े. तो वो हॉस्टल में पढ़ने के बाद बहुत सारे मेहनत करके मैंने यूनिवर्सिटी में आ गया है. यूनिवर्सिटी मैं अभी वो भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम कि मैं 12वीं कक्षा तक अपने मातृभाषा में पढ़ चुका हूँ. तो मैं बाकी साथियों के जैसा मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा तो उतना लग्जरी नहीं था हमारा पास. तो हम 12वीं कक्षा तक अपना मातृभाषा के माध्यम में पढ़े और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में पहली बार आ गए तब हमको इंग्लिश में पढ़ने का मौका मिला. वो बहुत बड़ा चुनौती था वो बहुत बड़ा दिक्कत भी थी. तो फिर भी हम उससे कैसे भी मुकाबला करके बाकी साथियों से जितने भी जिसको इंग्लिश आता था उससे इंग्लिश सीख के तब हम जिंदगी में आगे बढ़े मैम. उसके बाद हम BBSC किए और BBSC के वेटरनरी साइंस. तो उसके बाद हम मास्टर्स ऑफ वेटरनरी साइंस में गोल्ड मेडल भी लिए. उसके बाद हम सिविल सर्विसेज तब तक हमको सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था.
और माँ बाप को भी इतना जानकारी भी नहीं था इसके बारे में, वो तो हमेशा गांव में रहते थे। तो बाकी साथियों को देख के, सीनियर्स को देख के, उससे सीख के वो कैसे प्रिपेयर होना और कैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना। और तीसरे अटेम्प्ट में, दूसरा अटेम्प्ट में हमको इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आ गया मैम, और तीसरा अटेम्प्ट में इंडियन पुलिस सर्विस आ गया। खास करके मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरा आंध्र प्रदेश कैडर आ गया था। तो मतलब ये कि जब काफ़ी सारे चीज़ें दे विल बी टेकन केयर ऑफ ऑन देयर ओन। तो आंध्र प्रदेश कैडर में अलॉट हो गया था मैंने। उसके बाद मैंने 17 साल जो पुलिसिंग में काम किया मैम। आई वर्कड इन यूनाइटेड नेशंस, आई वर्कड इन करीमनगर, आई वर्कड इन आदिलाबाद जो महाराष्ट्र से बॉर्डर करती है, तो आई वर्कड इन अनंतपुर जो कर्नाटक के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है, एसपी के रूप में काम किया हूँ। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का काम किया हूँ। उस समय में मैं यूनाइटेड नेशंस मिशन यूगोस्लाविया में भी, फॉर्मर यूगोस्लाविया में भी सिविल पुलिस ऑफिसर के थ्रू काम किया हूँ। तो ये चीज़ में मेरे को खास करके एक चीज़ बहुत ये लगा कि जब मैं उस समाज से आता हूँ जो गरीब समाज से आता हूँ, जो मेरे पड़ोसी और मेरे जितने भी मेरे नेबरहुड में जितने भी बंदे हैं वो अभी भी मजदूरी करते हैं, उसके माँ बाप भी मजदूर करते हैं, मैं हूँ एक आईपीएस में आ गया हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों हर आदमी का, हर औरत का एक जिंदगी मेरे जैसा नहीं हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते। तो गवर्नमेंट के रूप से जो सामाजिक कल्याण के हॉस्टल्स है, तो हॉस्टल से हम इतना बेनिफिट्स ले लिए हैं, क्यों हम उसी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जाते और वो बच्चों के और वो बच्चों के और वो समुदाय के लिए क्या क्या कर सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पोलिसिंग, चलो ठीक है, पोलिसिंग तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते, तो देश की हिफाजत करते हैं हमने, उसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए, मगर उसके वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 17 साल तो वो तो कर चुके हैं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम शिक्षा के विभाग में, क्या वेलफेयर सामाजिक कल्याण विभाग में जाके क्यों नहीं हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते करके मैं तब हम हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मैं हार्वर्ड में एक साल मास्टर्स डिग्री किया हूँ मैं, तो हार्वर्ड में होने के बाद वापस आके हमारा चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, तीनों को मिलके मेरा जो इरादा था वो मैं उसका शेयर किया हूँ। तो वो ना पहले तो वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स हमको कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजीपी जैसे पोस्ट, जो रेंज आईजी जैसे पोस्ट पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, हम वो नहीं किया। तो जिस जहां कोई नहीं जाना चाहते थे उसी पोस्ट में हम आके हम रिक्वेस्ट किए और चीफ मिनिस्टर वाज काइंड एनफ टू गिव मी दिस पोजीशन। तो 2012 में सिर्फ 2 साल के लिए मैं इधर आया हूं। मैं 2 साल से अभी 9वां साल चल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विथ यू। तो अभी मैं तेलंगाना राज्य के, अच्छा सा मिशन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, KG-2 PG मिशन है, जिसमें नैवासिक पाठशाला, तो रेजिडेंशियल स्कूल्स कहते हैं हमने, आश्रम पाठशाला भी कहते हैं इसको। तो ये पाठशालाओं में अभी हम पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। इसके बारे में मेरे पास छोटा सा प्रेजेंटेशन है, तो ये शायद मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि कोई राज्य, कोई स्टेट ना वो पीछे है ना आगे है, सब इक्वल है। सो मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैं जो तेलंगाना का एक्सपेरिमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी अव्वल नंबर के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। तो हम महाराष्ट्र से भी सीखते हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स महाराष्ट्र के जितने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उसको भी हमारे पास लेके आते हैं और उसके थ्रू लेक्चर्स भी देते, वो भी लेक्चर देने के मौका उसको देते। हम भी कभी कभी महाराष्ट्र के स्कूल्स में गए और वहाँ से भी सीखे, और देश में जितने भी अच्छा राज्य है जहाँ अच्छा चीज़ें हो रहे हैं वहाँ हर जगह जाके हम उससे सीखे। तो ये नहीं है कि मैं जब ये शेयर कर रहा हूँ तो ये नहीं है कि हम अव्वल नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैम आपसे। तो ये इसके अलावा ये सरकारी स्कूलों में भी, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बजट की बात नहीं है मैम, बजट तो आज नहीं तो कल आएगा, तो बजट की बात नहीं, ये तो जुनून की बात है, ये तो कमिटमेंट की बात है, ये तो अपने हम डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, हम गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, गरीब लड़कियों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, ये चीज़ों के बारे में हमको अंदर वो जुनून, वो जलन होना चाहिए, तो तभी
ये चीज हाजिल होता है मैम। अदरवाइज बजट तो चाहे वो 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ हो, जब अपना अंदर जुनून है, अपना अंदर जो इंटेंशन इरादे की बात होते हैं, तो इरादा अगर पक्का नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं आपसे पहले ही एज ए काइंड ऑफ डिस्क्लेमर और वॉट एवर यू मे से मैम, सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर बिफोर आई go to my PowerPoint presentation. I have about 50 slides, but most of them are photographs, so I will not be taking much time. So my abhi ek PowerPoint presentation share karta hun. Arushi, are you able to see, Smita, are you able to see my first slide? Yes, yes, sir. Yes, we can right. see very clearly. Yes, please. So, ma'am, the and all the participants, so the guy who is in this photograph, his name is Raju. तो ये लड़का का घर जो है आपका पीछे देख रहे जो डेरे, तो यू नो द कैंपिंग टेंट्स, दिस इज वेयर द नोमैड्स एंड देन पुअर पीपल लिव। तो ये लड़का का घर ऐसा है, तो जो पीछे दो पुराना साड़ियों से बना हुआ है ये एक टेंट, जहाँ गरीब लोग हमेशा दे कीप चेंजिंग देयर लोकेशन। इसका नाम है एनबरला राजू। हिज मदर इज शी हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज फादर वाज अ ड्रंकर्ड, तो नशेली पदार्थ पी के वो ड्रंकर्ड हो गए, तो इसका माँ सुसाइड हो गई। और ये लड़का जो है हमारा सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ा है। अभी मैम ये लड़का जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में थर्ड ईयर में है, जहाँ IAS IPS ऑफिसर का बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरे माई सन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज़ इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सो ही इज़ डूइंग हिज मास्टर्स। एंड देन दिस राजू इज़ अ जूनियर टू माई सन। लाइक दिस वी हैव अबाउट 250 स्टूडेंट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हूज होम्स आर मोर आर लाइक दिस। तो ये एक चीज़ है। और ये लड़की जो है मैम, इसका नाम कोमला है। अब ये हमें डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट है, और उसका घर देखिए दाहिने के तरफ आपका, उसका घर फॉरेस्ट में है, तो प्लांटेशन में फॉरेस्ट में है उसका घर देखिए। ये लड़की शी जॉइंड MBA इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, सो IIT चेन्नई में। तो ये लड़की है नर्सना है, एंड यू कैन सी इज हर होम इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट विच शेयर्स बॉर्डर विद महाराष्ट्र। हर मदर इज़ ए एग्रीकल्चरल लेबरर मजदूरी। और ये लड़की शी इज़ इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड वेयर आवर सिविल सर्विसेज चिल्ड्रन ऑल्सो स्टडी। सो शी इज़ वन ऑफ द टॉपर्स इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, एंड अजीम प्रेमजी हिमसेल्फ इज़ पेइंग 2.75 lakhs per annum to these students. Like that, we have about 120 students in Ajim Prem University. All of them are from poorest of the poor communities. जिसका पहले जब मेरे अभी याद है 2014-15 academic year में जब पहली नफरी तो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी गई, तब ये बंदों के पास, खास करके लड़कियों के पास सैनिटरी नैपकिन परचेज करने के लिए भी पैसे नहीं थी। अब देखिए इतना गरीबी है, उसका घर देखे तो आपको पता चल जा रहा। नाउ टुडे दीज गर्ल्स आर अमेजिंग, सो दे आर आवर लीडर्स इन फैक्ट। सो दिस गर्ल, हर नेम इज रेणुका। तो अब देखिए वो सफाई कर्मचारी बनके वो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो इसका मार्क्स देखिए, 10th ग्रेड में 527 आउट ऑफ 600, इंटरमीडिएट में दो बारहवीं कक्षा में 877 आउट ऑफ 1000। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, मगर उसका गरीबी इतना ज़्यादा था और माँ बाप का गरीबी और कमज़ोरी इतना था, तो वो फर्दर एजुकेशन ना करते हुए भाग गई गांव से और कॉरपोरेट स्कूल में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर बन के 3000 रुपीज़ पर मंथ का सैलरी पे भर्ती हो गई। और उसको नया कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं थे। ये यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म का कपड़े पहन के काम कर रही थी। लकीली हमारा एक अलुमनस वो लड़की को देख के उसको रेस्क्यू किए। अभी आई एम सो प्राउड टू शेयर विथ यू दैट शी कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन बठिंडा। सो सुजाता सैनिक मैम नोस बिकॉज शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, सो मोस्ट प्रॉब्ली शी माइट, यू माइट बी अवेयर मैम। सो दैट इज़ अबाउट रेणुका, एंड this is what this is how I look like as a police officer, and then the background we have the doyen of the architect of Indian constitution, the one of the greatest social reformers of this country, Dr. B.R. Ambedkar, wo Maharashtra mulk se hai,
तो ये हमारा स्टूडेंट्स है. सो माई यूनिफॉर्म छोड़ के मैं इसीलिए आ गया. दिस आर अवर डॉटर्स. वी हैव लाइक दिस अबाउट 1,10,000, 20,000 डॉटर्स विथ अस. वी कॉल देम एज डॉटर्स. सो आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन एंड माई स्टूडेंट्स. सो ऑल ऑफ देम आर अवर ओन चिल्ड्रन. तो हम सब हमारे बच्चे हैं. तो दिस इज़ वॉट इट इज़. सो मैं इसीलिए क्योंकि मैं एक अकेला आईपीएस बनने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है देश के लिए. मगर जब मैं जिस समाज से आता हूँ जिस समाज के भलाई के लिए जब मैं काम करना शुरू करता हूँ, तब मुझे न केवल तसल्ली मिलेगी मगर वो समाज को भी बहुत भलाई होगी. तो इसीलिए मैं वर्दी थोड़ी देर के लिए छोड़ के, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, वर्दी थोड़ी देर के लिए छोड़ के तो मैं ये सोशल वेलफेयर और ट्राइबल वेलफेयर स्कूल्स में आ गया हूँ. तो ये थोड़ा रफ प्रोफाइल है आपको, जस्ट जानकारी के लिए मैं बोला हूँ कि हमारे पास अभी 268 इंस्टीट्यूशंस है, सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन. आप देखिए हमारे पास गर्ल्स इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है. तो 175 गर्ल्स इंस्टीट्यूशन एंड 93 बॉयज़ इंस्टीट्यूशन. क्यों गर्ल्स इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है? क्योंकि गर्ल्स बहुत मार्जिनलाइज्ड है. गरीब लोगों में गर्ल्स ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, दबे हुए हैं, वंचित है. तो अभी वंचित समाज में गर्ल्स का और ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा दबे हुए थे. तो इसीलिए हम ये ज़्यादा गवर्नमेंट ने बाय डिज़ाइन गर्ल्स का इंस्टीट्यूशन ज़्यादा किया. ये नहीं है कि हम लड़कों के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं, मगर गर्ल्स का सहारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी है उसका. जैसा हम जाते हैं तो अब एसडीड का मैं डॉक्यूमेंट पढ़ाऊँ, मैम ने, स्मिता जैकब ने शेयर किया है. तो उसमें आप वोकेशनल पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं. वेरी वेरी महाराष्ट्र इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट दैट वे. सो इट्स अ काइंड ऑफ चाइना ऑफ इंडिया. सो महाराष्ट्र में वोकेशनल एजुकेशन, तो आई थिंक इट इज़ नेचुरल फॉर महाराष्ट्र, बट फॉर अस इट इज़ नॉट सो नेचुरल. तो हम वोकेशनल कॉलेजेस का, हम वोकेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किए हैं पिछले 3 साल से. अच्छा चल रहा है. तो सामाजिक कल्याण विभाग में और जनजाति के विभाग में भी, तो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एकदम बढ़िया एक्सपेरिमेंट है हमारा पास. जहाँ मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको उसका बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा. और एक अच्छा चीज़ है, ये 268 में हमारे पास 87 फ्रीडम स्कूल्स है. आप लोगों को ये थोड़ा शक हो सकता कि ये फ्रीडम स्कूल क्या होता है. स्कूल तो स्कूल है, फिर फ्रीडम स्कूल क्या है? फ्रीडम स्कूल ये है कि जहाँ शिक्षक जो है बहुत कम भूमिका निभाता है, बहुत कम काम करता है शिक्षक. काम करता है मतलब काम नहीं करता मतलब ये नहीं है, ही और शी विल ओनली फेसिलिटेट द कन्वर्सेशन. बच्चे अपने आप पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने का कोशिश करते हैं. तो बच्चे आप स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट स्टूडेंट खुद एक टीचर बन के काम करता है, तो वो थोड़ा फ्रीडम स्कूलिंग में अच्छा ये है. और फ्रीडम स्कूलिंग एक्सपेरिमेंट खास करके बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास दे दिया. गर्ल्स हैव बिकम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. So that is about the profile of social welfare residential schools. ये हमारा tribal welfare residential schools है, जहाँ scheduled caste और scheduled tribes का भी मैं इंचार्ज हूँ. जहाँ 62,886 strength है, उसमें boys 25,000 है, girls 36,000 है. तो इसमें भी आपके पास हमारे पास degree आप देख सकते हैं. तो वो 1,50,060, मोर देन 2.10 lakh स्टूडेंट्स स्टडिंग विथ अस. ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि जहाँ बहुत सारे राज्य देश में ये इसमें खास करके राइट साइड ये डिग्री कॉलेजेस, ये हमारे पास ये तेलंगाना आने से पहले, आपको सबको मालूम है 2014 में तेलंगाना आंध्र से अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से. तेलंगाना आने से पहले तेलंगाना राज्य में सिर्फ 298 स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे रेजिडेंशियल स्कूल्स. अभी तो तेलंगाना राज्य आने के बाद 917 रेजिडेंशियल स्कूल्स हो गए. इसमें आप राइट साइड वाला स्लाइड देखना चाहिए, इसमें डिग्री कॉलेजेस है. ये तो बढ़िया बात है. ये डिग्री कॉलेज इसीलिए हम लगाए हैं, रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस खास करके लड़कियों के लिए. किस लिए लगाए? क्योंकि 12वीं कक्षा के बाद काफ़ी सारे लड़कियों का शादी होते थे, बहुत इनसिक्योरिटी के वजह से या काफ़ी सारे सोशल चीज़ें होते हैं गांव में, लड़कियों का शादी होते थे. तो हम 12वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा के हम गांव भेजते, घर भेजते हैं. तो तब शादी होने का क्या फ़ायदा? फिर उसका क्या काब रहे, उसका काब का नतीजा क्या होगी? तो इसीलिए हमने
गवर्नमेंट को जब रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं ये अच्छे बात नहीं है, हमारा लड़कियाँ बहुत सारे लड़कियाँ इन ह्यूज नंबर्स दे आर गेटिंग मैरिड, तो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि नहीं नाम रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज भी लगाना चाहिए करके। तेलंगाना राज्य में 53 रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस है, जिसमें लड़कियों के लिए 45 है, लड़कों के लिए 7 है, और हमारे पास अभी अभी का तकरीबन 30,000 लड़कियाँ हु हैव पोस्टपोन देयर मैरिजेस टू परसू हायर एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस। अभी तो ये हमारा सक्सेस मंत्र है, तो ये तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा, मगर आज सुजाता सौनिक मैम ने जो काम कर रही है स्फूर्ति का प्रोग्राम के माध्यम में, वही काम हम 8 साल से पहले किए कि दूसरी पॉइंट देखिए एक्सपोजर टू रोल मॉडल्स। जो समुदाय, जो कम्युनिटी, जो नेबरहुड में ये बच्चे पैदा होता है, उसी नेबरहुड में हीरोज़ को ढूंढ ढूंढ के, या बगल वाले नेबरहुड से हीरोज़ को ढूंढ ढूंढ के वो लोगों को इसका सामने लगा देते हैं। सो नथिंग लाइक लर्निंग फ्रॉम द रोल मॉडल्स, हमने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस किए, और नथिंग लाइक लर्निंग वन सेल्फ। तो सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। तो देन टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम यह होता है कि फैसिलिटेट, तुम ज़्यादा ऑलरेडी इट इज़ प्रूव्ड दैट टीचर इज़ मोर नॉलेजेबल, बट ये नहीं है कि तुम नॉलेजेबल है इसीलिए तुमने पूरे जितने भी ब्लैक बोर्ड है पूरा उस पर लिख के बच्चों ये मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, तो आप लोग जो मैं ये ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो पूरा अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन को आंसर दीजिए। वो मॉडल ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, इसीलिए हमने सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिए। तो एंड 30-40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर सोसाइटी दे कैन कंफर्टेबली कम्पीट विद द टीचर्स इन टीचिंग। तो टीचर से मुकाबला करते हैं टीचिंग करने में, ये बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल्स में। तो आज और एक चीज़ है, हमारे स्कूल्स में दलित का शब्द जो है, दलित और पिछड़े और निम्न, जो सेल्फ ह्यूमिलिएटिंग शब्द होते हैं, वो शब्दों को हमने बैन किया है, मना किया है। क्यों मना किया? इसीलिए मना किया कि जन्म से कोई दलित नहीं होता, जन्म से कोई पिछड़े नहीं होता, जन्म से कोई कमजोर नहीं होता, आदमी या औरत कमजोर बना जाता है। तो हमने स्कूलों में हमारा बच्चों को ये चीज़, वो जैसा कदम रखते ही कि या दलित है तो अरे बाप आप लोगों के ऊपर इतना जुर्म हो रहा है, तो दो तीन आंसू बहाते या सिंपति दिखाते हैं, वो भी अपना सिंपति का प्यासी होता है। सो पीपल स्टार्ट क्रेविंग फॉर सिंपति। हम इसके इस फिलॉसफी या इस प्रैक्टिस के खिलाफ है। तो हमने कहा कि यार आइडेंटिटी हो, अगर किसी का आइडेंटिटी होता तो वो तो एस्पिरेशनल होना चाहिए, वो रौनक होना चाहिए, उससे कुछ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उससे डिग्निटी आना चाहिए, ऐसा आइडेंटिटी लेना चाहिए। ऐसा वो आइडेंटिटी लेना चाहिए कि मैं दलित हूँ और मैं हमेशा जुर्म के मैं जख्मी हूँ, और मैं आपका प्यार के प्यासी हूँ, मैं आपके एम्पति का प्यासी हूँ। ये सब चीज़ बच्चों को छोटी छोटी उम्र में अगर आप सब ये सब चीज़ सीख दिए तो देन वो बड़ा होने के बाद भी उसका अंदर कॉन्फिडेंस, वो उसका अंदर कॉन्फिडेंस जो हीरोइक यू नो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कभी भी टैप नहीं होता। तो इसीलिए हमने कहा कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ वर्ड कॉल्ड दलित। सो वी डिड एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्च। तो वी सेड लेट अस पुट न्यूट्रल एंड एस्पिरेशनल एक्सप्रेशन कॉल्ड स्वेरो। SW का मतलब क्या है? पहले सोशल वेलफेयर था, अभी स्टेट वेलफेयर हो गया, स्टेट वेलफेयर। एरो इज फ्लाइट, लाइक हवाई जहाज के जैसा आप आकाश में, आप आसमान में घूमते रहिए, आपका आसमान की तरफ देखिए, आपका ख्वाब, आपका एस्पिरेशंस, आपके जितने भी इच्छा इरादा, वो पूरा आकाश के तरफ रहना चाहिए, आसमान के तरफ रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा देखो यार पिछले 2000 साल से मैं ऐसी पिछड़े हूँ तो मेरे इतिहास में मुझे ढूंढने के लिए सिर्फ आंसू है, दर्द है, जुर्म है और जख्म है, वो उसको देखते बजाय तो एक आने वाले दिनों में जो भविष्य है उसके बारे में देखें, या आपका शक्ति को अपने आप परिचय करें। ये चीज़ बोलने के लिए हमने दलित करके शब्द को रिप्लेस करके हमने स्वेरो का शब्द लगाया। हमारे स्कूल्स में सब
लड़के या लड़कियाँ सब स्वेरो, अपने आप को स्वेरो कहते हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडेंटिटी. दिस इज वर्किंग, दिस इज रियली वर्किंग. आई विल शो यू द रिजल्ट्स ऑफ दैट आइडेंटिटी. देखिए इससे पहले हमारा ये तो फिर भी बेहतर है, इससे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत बेहतर थे, बट लकीली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका दे हैव शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, जो बरसों से हजारों सालों से दब गए वंचित समाज, ये समाज के भलाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट सब प्लान शुरू किए. तो ये सब प्लान के वजह से ये हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनेबली बेटर हो गया. मैं आपको उसका भी फोटो देंगे. ये देखिए हमारा सैनिक स्कूल है, शायद तेलंगाना एक राज्य है जहाँ जहाँ ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए एक सेपरेट सैनिक स्कूल और ट्राइबल के लिए सेपरेट सैनिक स्कूल, गर्ल्स के लिए भी सेपरेट सैनिक कॉलेज में लगाया हमने, सब सरकारी के वजह से, सब सप्लान की वजह से. दिस इज अवर यू नो सैनिक स्कूल. मोस्ट ऑफ अवर स्कूल बिल्डिंग्स आर लाइक दिस. और ये दिस इज अनदर यू नो स्कूल बिल्डिंग, दिस आर द ग्लिम्सेस ऑफ सैनिक स्कूल्स. सो मोस्ट ऑफ अवर बिल्डिंग्स आर गेटिंग लाइक दिस. सो यू नो इमेजिन द काइंड ऑफ कंडीशंस फ्रॉम विच दीज पीपल कम. किसी का झोपड़ है, किसी का घर नहीं है. मैं पहले ही स्लाइड्स में बताया किसका अपना राजू का घर कैसे है. वो घर से राजू आता है इस बिल्डिंग्स में, देन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कंफर्ट विल ही हैव. सो आई एम नॉट सेइंग रियल एस्टेट इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, सर्टेनली नॉट. नो नो, यू कैन क्रिएट अ ताजमहल, बट इफ द टीचर इज नॉट यू नो टीचर इज नॉट लाइक द रियल टीचर, प्रॉब्ली दे आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू. सो बट समवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स अलॉट. तो यू हैव टू इट लिबरेट्स पीपल फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आवर दीज आर आवर फ्यूचर बिल्डिंग. सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू बिल्ड ऑल द रेजिडेंशियल स्कूल्स इन फ्यूचर. सो वी आर प्रपोज सबमिटेड अ प्रपोजल टू गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट प्रॉब्ली फ्रॉम 2023-24 गवर्नमेंट माइट बी कंसिडरिंग यू नो बिल्डिंग ऑल स्कूल्स लाइक दिस. एंड देखिए हमारा फूड जो बच्चों को देते हैं, बिकॉज वी आर ऑल रेजिडेंशियल स्कूल, से बच्चे 210-220 दिन साल में हमारे साथ रहते हैं और 145 दिन जो है माँ बाप के साथ रहते हैं. जब हमारे साथ रहते हैं बच्चे, हम इसको ऐसा फूड देते हैं. जब मैं यूनिवर्सिटी में था हमको तो इतना अच्छा खाना नहीं मिला, लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू. और हमारा डाइट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी जो है वो डिज़ाइन किया. चिकन हम 4 टाइम देते हैं, मटन 2 टाइम देते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वो तो उसका मेंटल न्यूट्रिशन भी दब गए और फिजिकल न्यूट्रिशन भी दब गए. तो द रिसर्च सेज द पुअर पीपल बाय द टाइम दे अटेन 3 years एज दे स्पीक 3 करोड़ वर्ड्स लेस देन 3 करोड़ वर्ड्स लेस देन द रिच पीपल. इसका मतलब द गैप, द वर्ड गैप बिटवीन रिच एंड प्योर इज ऑलवेज बाय द टाइम दे रीच 3rd year 3 करोड़ वर्ड्स का गैप. दैट इज रियली अट्रोशियस. सो सिमिलरली द न्यूट्रिशन गैप. सो इसीलिए थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू अवर यू नो पॉलिसीज एंड द ब्यूरोक्रेसी, वी हैव बीन एबल टू यू नो गिव दिस काइंड ऑफ फूड टू ऑल द स्टूडेंट्स. सो दैट्स वाई अवर चिल्ड्रन आर वेरी वेरी हेल्दी. सो सिमिलरली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इनोवेशंस वी हैव. वी हैव a health command center. Even during COVID also this command center is working, wherein all our schools are closed. We have a command center in our head office which monitors the health of 2.5 lakh students round the clock 365 days. Why am I saying 365 days? Because 220 days children are going to be with us, but 145 even while they are at their homes also we are going to monitor. We call them. And if they don't call us, we call them. We call the parents because we have the students who require round the clock attention. So we call them. And then we give medicines. Everything is free. And another important thing, admission into residential schools is free. Only thing is that you have to write a common entrance examination in which we test whether you know a little bit of English, because all our schools are English medium schools. You know whether you know a little bit of English and with a little bit of mathematics. Otherwise, एडमिशन इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेनी. अब जब आपका इलाज के लिए पैसे की बात आती है तो अगर 35 लाख हो गए तो भी वी आर गोइंग टू पे फॉर स्टूडेंट इफ इट कॉस्ट दैट मच मनी, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर आवर ट्रेजर. बिना चिल्ड्रन देर वी आर नथिंग. सो वी लाइक टू टेक केयर ऑफ दैम अराउंड द क्लॉक, एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं. तो दिस इज अ कमांड सेंटर. इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑल्सो वी आर वर्किंग विथ फुल स्ट्रेंथ.
in command center. And every school has one health supervisor who is qualified in nursing. They are either graduates or diploma holders of nursing. And every school has a wellness center like this. And we give laptops and everything to the students who go to the premier institutions. This is the first batch of Delhi University students, 12 boys and girls. And then most of them have joined PG courses in JNU, and some of them have joined PG courses in Ajim Prem University, and some of them joined PG in Delhi School of Economics, not Delhi School of St. Francis, and then some of them have joined National Law Universities. And they're doing very well. So all of them have been provided laptops. Like that, we give laptops to all the meritorious students, including 40,000 rupees. We give 40,000 rupees or 50,000 rupees as a gift because they have been able to go to the premier institutions of this country. So this is the rush during admission season. This is the photograph which was taken pre-COVID times. That's why you see people thronging like this. So see, when I joined this society, there were about 6,000 vacancies, 6,000 vacancies in a government institution. So we used to send the budget back. But today, for 30,000 vacancies, we have 1,89,000 applications. 1,89,000 applications, and I'm proud to share with you, we are government institution. So, shayad additional chief secretary ma'am ne isiliye ye PowerPoint presentation lagane ke liye boli, shayad गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में स्वाभाविक रूप में जनरली एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो नहीं होना चाहिए. मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बिकॉज द वेरी रिक्रूटमेंट इनटू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टेक्स प्लेस आफ्टर लॉट ऑफ स्क्रीनिंग और द रिसोर्स कम्फर्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव इज अमेजिंग. इवन इफ यू डोंट हैव रिसोर्स कम्फर्ट, यू कैन ऑलवेज go to different companies, different like well-meaning individuals, philanthropies, and then you can bring a lot of resources and then buttress your capacities. So government institutions, I feel they are really, really resourceful if they have a right person at the right place. So this is the, and we have lots of, we are known for our extracurricular activities, not those classroom-wali activities. Classroom is only one part of it. बट वी आर नोन फॉर आवर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. देखिए समर में हम इतना कैंप कहते हैं कि एवरी समर अबाउट 50,000 to 75,000 स्टूडेंट ज्वाइन आवर समर कैंप्स. बिकॉज ऑफ कोविड वी हैव स्टॉप्ड दिस नाउ, बट अदरवाइज आवर समर कैंप्स आर रियली रियली वाइब्रेंट. एंड देन हियर वी आर टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट एरोस्पेस. अ चाइल्ड इज लर्निंग हैज टू हाउ टू बिल्ड अ ड्रोन. जिसका घर नहीं है, जिसका घर में खाना नहीं है, जिसका माँ बाप को पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो ड्रोन को कैसे करना वो सीख रहे हैं. Imagine what kind of empowerment is this? How much potential is being tapped here? Just understand. So ye cheez hai. Aur har hamara schools mein har kone pe mirrors hai. Log kehte hai kyon itna zyada mirrors hai? Mirrors isliye hai ki apne pratibimb, apne image aapse baat karna chahiye. That's a very good way of introspecting. That's a very good way of improving your skills. You talk to your own images. We call it as a mirror experiment, wherein our children go and then talk to their own images. At every conceivable corner, we have mirrors. So boys and girls, they talk to their images and then they improve a lot of their communication skills. That's why our children are more communicative when compared to other school students in the villages. Yeah. So and then our children, they teach. Then when I started my journey as Indian Police Service in 1995, my first salary was 2,200 rupees. Of course, the value of rupee was much greater than those days. But just to give a comparison, 2,200 rupees, I took the first check in Lal Bahadur Shastri National Academy in Mussoorie. That was 2,200 rupees. But today, I'm very happy to share with you, our students earn 1,000 to 3,000 rupees per hour when they teach to the entire state of Telangana. What do you mean by teaching the entire state of Telangana? We have a television called Telangana Satellite Television, wherein our students come prepared for a topic and they have to cross three levels of screening, and then they come to Telangana Satellite Television, live television, and then they teach entire state of Telangana for 45 minutes, and then we give them 1,000 rupees to 3,000 rupees, depending on the class. So, for example, the girl is on the extreme left, she has earned 1,000 rupees. And then
whenever children do well, we don't give them pen or pencil, we give them money. Because for rich people, money is important. So for rich people, the check is important. So we give them foam board check, and then that check they will put in their homes and the huts. So that उसको ये आना चाहिए कि यार मैं भी पैसे कमा सकता हूँ. क्यों अमीर लोग ही कमा सकते क्या? क्यों वाई ओनली अंबानी अदानी और यू नो ऑल दीज फेमस गोदरेज और आनंद महिंद्रा, वाई शुड ओनली दे अर्न मनी, वाई नॉट मी? तो वो चीज़ जो है बच्चों के अंदर वो आग पैदा करने के लिए हमने वी गिव चेक्स टू दीज चिल्ड्रन. सो दैट हैज रियली, यू सी द ड्रेसिंग ऑफ दीज चिल्ड्रन. पेरेंट्स डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट वी एंश्योर दैट जब जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक कोट और एक टाई पहन के जैसा घूमते थे एज अ मिनिस्टर, एज एन इंटेलेक्चुअल, जैसा वी ऑल्सो वॉन्ट अवर चिल्ड्रन टू हैव अ प्रॉपर ड्रेसिंग. सो दिस इज हाउ यू नो वी empower our students. And in every class we have teaching assistants. Not in universities you'll find this, but in our schools teaching assistant is an integral part. And here this girl, she is teaching coding, computational thinking to her colleagues. Like that in every classroom we have teaching assistants for every subject. Now this is one of the important activities in our schools. And then in every school of 640 we have 119 leaders. So you have school curators, you have class leaders, you have house leaders, you have mess leaders, you have health leaders, what not. So what is the reason? Reason is gareeb log, vanchit samaj, or the dab gaye samaj jo hai uska leadership hum thoda effort karke leke aana chahiye. So we have to give lot of opportunities. If you don't give opportunities, they will never think that they have that leadership potential. That's why we give lot of opportunities to these children to act as leaders. When they go to the real world, they will never look back again. So this has been our experience in the last 9 years. So we have summer camps. I have already spoken about this. Is a wrestling camp, and then this is very important. जहाँ इस देश में कई राज्यों में खास करके राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कभी कभी अपने को न्यूज़ मिलता है कि जब वंचित समाज, ये अनुसूचित जातियों के बच्चे या जनजातियों के बच्चे जब या लड़के बारात में जब जाते हैं घोड़े पे, तो वे दे गो ऑन हॉर्स बैक, सो पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट देम कि क्या तुम काबिल है ये घोड़े पे सवार करने का. ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में आता है. मगर हम तेलंगाना राज्य में बच्चों को समर कैंप्स में हम हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं, खास करके लड़कियों को सिखाते हैं क्योंकि दैट गिव्स देम अ रेयर कैप्सूल ऑफ रेयर बाउट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू. दिस ईयर प्रॉबली इफ एवरीथिंग गोज वेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ हॉर्स राइडिंग स्कूल इन करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. So this is about summer camp, and then the self production is the best production. So in every school, in summer camps, we teach self production to all our students, and then these students from the camp they go back to their schools and then they teach to their colleagues. This is called as cascading model. So this is what it is. And then voice is the greatest weapon for any girl. So that's why we have voice for girls camps, and then in which we tell them ki what are the changes in the body when they enter the adolescence, and then how to understand the world and how to understand the dangers, how to understand the opportunities, how to negotiate with the parents, how to negotiate with authority figures. Ye sab cheezon ko hum voice for girls camps mein hum ladkiyon ko batate hain. And then so far we have trained about 70,000 girls in voice for girls voice for girls ideology. So and then youth पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. अब देखिए गरीब बच्चे जिसका माँ बाप को पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो मॉडल यूनाइटेड नेशन, मैं तो कभी भी मेरे जिंदगी में मॉडल यूनाइटेड नेशन का नाम भी नहीं सुना हूँ. सो बट आई केम अक्रॉस द मॉडल यूनाइटेड नेशन ओनली वेन माई सन इन डेली पब्लिक स्कूल पार्टिसिपेटेड इन मॉडल यूनाइटेड नेशंस. So, but why I thought, why not social welfare students, why not scheduled caste students, why not ST students, why not OBC students, why not rural students, why not they also participate in modern nations. Then fatak se humko idea aa gaya. Then we started modern nations in all our schools.
And youth, even during Corona time also, we took permission from the government and then conducted Modern United Nations and Youth Parliament for all our students. This is a very important activity every year. This is the seventh year of our Youth Parliament and Modern United Nations. So these are some of the extracurricular activities. I think it takes a lot of time, but I'll just kindly go through that. So Talkathon is very important activity. The more, the longer you speak, the more rewards you get. We don't look into the whether you are speaking good English or wrong English, but we want them to be communicative. Ekdam, no holds barred communication on a chahiye. We have kitchen gardens, we have life skill studios, everything we try to do. Khas karke English Plus Club, jo daine wale column mein, last wali cheez hai, English Plus Club. This is one of the favorite activities of our students. Jahan 4 baje hote hi pura schools mein doors and windows close karte hai, they create darkness and then every student by turn they start speaking in English. So and then the more mistakes you make, the more rewards you get. So that's how our children started learning English without spending even a single penny. So that is about English Plus Club. So jaisa IAS, IPS, IRS officers ka Bharat Darshan hota hai, hamara bhi Bharat Darshan hota hai. To humne India ko 7 routes mein baat diya hai. Ek jaise Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Vishakhapatnam, Araku, Bhubaneswar, Puri, Chilka Lake, like aisa all outstanding students, outstanding teachers ko har saal Indian Railway IRCT se humko memorandum of understanding hai. To uske through, uske madhyam mein hum sare bachchon ko all outstanding students, leaders kehte hain humne isko. These leaders are sent to different parts of the country, and this is one of the most favorite activities of the students. And similarly, hamara paas ek Vishwa Darshan bhi hai, khas karke ladkiyon ke liye. So without any escort, we have sent about 200 girls to different countries in this world. And why did they go there? They went there to teach English under ISEC program to people of different cultures. So they stayed there for 6 weeks without any escort. Imagine what kind of confidence it gives to a rural scheduled caste or scheduled tribe or OBC girl, poor girl for that matter, irrespective of caste, particularly girls. What kind of confidence it gives? Amazing, amazing. So this is Bharat Darshan, and then similarly we have Vishwa Darshan. So we have a robotics school, and then we have robotics laboratories and IoT technologies. So then now we are slowly marching towards specialization. Ab dekhiye, this is our Armed Forces Preparatory College. Bharat Sarkar jo hai Raksha Mantritva Shaka ne humko 3 T-72 tanks jo diye hai. To ye one of the tanks in Women Degree College. So this is our Armed Forces Preparatory Degree College for Women, probably third in the country. Ek to Mai Bago karke Chandigarh mein hai, aur dusra shayad Mizoram mein hai, aur teesra jo hai Telangana mein hai, third in the country. So one of the best institutions. Ye ladkiyon ko dekhe to sab dhar jate hai. Matlab uska andar itna shakti hai. We are so proud of these daughters. So we have about Major Usha Sharma is leading this college. He's a former major of Indian Army. So we have a Sainik School for boys, one for scheduled caste and another for scheduled tribes. And then we prepare these kids for NDA and then other examinations. And then we have 34 centers of excellence in which we send the students to different premier institutes of this country. And then we have Freedom Schools. I have already spoken about it. I don't want to waste much time on that. Then we have probably first or maybe one of the rare schools. We have a school of fine arts. Jahan Kathak, Kuchipudi, Bharatanatyam, then Hindustani, then Carnatic, then photography, then cinematography. Sab cheez sikha jata hai bachchon ko. These children are selected, and then we have, this is a highly specialized school. And this is one of the best schools. We have rock bands, everything is happening in these schools. So this is about School of Fine Arts. And we have Earth School, jahan organic farming hota hai. We have selected about 5 to 7 schools in which organic farming is done by the students. I repeat, by the students. They sow the seeds, they do all the entire agricultural practices, they sow the seeds, and then they put all the organic fertilizers into the soil, and then they reap, and then all the produce is sent to the schools and nearby colleges,
and they consume, and then rest of it is sent to the different other colleges. And then this is one of the schools in Nalgonda district, Earth School. We call them as Earth School. We have 7 Earth Schools with us. And then we have a coding school, probably India's first coding school, exclusively for government school students, particularly for boys and girls. We have 450 students, and they are simply amazing. I just love them. So my point is, why should only rich and then ultra rich people learn coding? Why not poor people? When will they become, when will they produce another Satya Nadella? When will they produce another Sundar Pichai? When will they produce another Mark Zuckerberg or Elon Musk? When will they? And then why shouldn't they? Why shouldn't they? And how long should they work on peripheries? How long should they work as security guards? How long should they work as domestic helps? How long? How long should they work as safai karmacharis? Ye cheez ko hum chunauti lete hue, hum government se permission le liye, and then we have started India's first ever coding school. So we teach them computational thinking, that is decomposition, pattern recognition, then algorithm, and then automation, and then feedback. They are the 5 skills are taught to these students in a very, very intensive manner. And then since we are dealing with vocational college, and then additional CS ma'am bole ki vocational college is basically your department is for vocational entrepreneurship. So these are some of the courses like multi-purpose health worker, construction technology, computer graphic animation, construction technology, hotel management, then electrical technician, medical lab technician, PSTT. काफ़ी सारे कोर्सेज ने हमने शुरू किया, और बाकी काफ़ी सारे कोर्सेज का उद्घाटन भी कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल कमर्शियल गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स वाले जो है पूरे लॉकडाउन के समय में पूरा मास उतने वही प्रिपेयर करके पूरे स्कूल्स को भेज दिए. सिमिलरली द स्कूल यूनिफॉर्म्स आवर कमर्शियल गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आर डूइंग. सिमिलरली द प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो वोकेशनल कॉलेज से हमको हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आर बीइंग ट्रेंड taking care of the baby care centers in the villages. So like that, we have n number of vocational courses. I think we have just started. We are not as mature as Maharashtra ecosystem, but I think I am hopeful that tomorrow it's going to have greater future. So these are some of the photographs of vocational colleges, and I'm very happy to share with you that we have about 24 sports academies. Usme se mera favorite sports academy jo hai golf academy. See, we see only Donald Trump or all other great people, Bill Clinton, playing golf. Now today we have our army generals, and then Chandigarh and all these places where army people play a lot of golf. So we have army generals and then army colonels playing golf. But today, poorest of the poor girls and then boys also play golf. We have about 20 students in the first batch, learning golf and then playing. We have tied up with the golf courses. And then the right side photograph is that. And then Ajiruddin is teaching our kids as to how to. We have a cricket academy for boys and then girls. So during pandemic, all our schools are closed, but our children are so enterprising. They took the responsibility of teaching the students in the villages, because most of the teaching is the best way of learning, village learning circles. So that's why they started learning circles, because teachers are not vaccinated properly. So they are not able to go to the schools. So that's why they're not able to go to the villages as well. So the schools are closed. But we thought the education should not stop just because of coronavirus. Why can't the children start teaching themselves? So this is how the idea of village learning circle come into picture. I'm very happy to share with you that we have about 27,000 village learning circles. 27,000 village learning circles gaon mein kaam kar rahe hai. Then this is locality in which village learning circle is happening, like that everywhere. And then we are taking all precautions of COVID, but abhi second wave mein thoda kam kar diya humne, kyunki second wave bacche bhi thoda vulnerable hone lage, to isliye we have stopped, we have scaled the activity down to almost a minimal level. So this is about village learning circle. And then har summer mein ye bahut important cheez hai, kabhi there are a lot of teachers here. So we have a lot of teachers and principals here. In vacations, our teachers go to the villages. In normal times, in vacations, our teachers go to the villages, go to the homes of our students, and then talk to them.
उससे संपर्क करके बच्चे कैसे पढ़ रहे, बच्चों को कैसे पढ़ाना, उसको किस किस्म का सहारा देना, उस किस्म का कोर्सेज में भेजना करके बच्चों को कन्विंस करने के लिए हमारे टीचर्स घर में भी जाते हैं, उसको हम क्वेस्ट कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। और हम फ्यूचर पेरेंटिंग करके हम ऑनलाइन पेरेंटिंग ऑफलाइन पेरेंटिंग दोनों किया। अब हमारा जूम अकाउंट है 1000 लोगों का, सो हर वीक में हजार पेरेंट को हम ट्रेन कर रहे हैं जूम में। तो 4 डेज का कोर्स होता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, करियर ओरिएंटेशन, सेविंग मनी, कैसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से दूर रहना, और बच्चों का जज्बातों को कैसे अंडरस्टैंड करना, ये सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को खास करके जानकारी देते हैं। इसको हम फ्यूचर पेरेंटिंग कहते हैं। और खास करके आप तो देखे होंगे कि बस सिर्फ बच्चों का खेल कूद होता है, हमारे पास पेरेंट्स का भी खेल कूद होता है, इसको कहते हैं हम हलचल। हलचल में हर साल में हजारों पेरेंट्स का स्पोर्ट्स मीट होता है, वो स्पोर्ट्स में जो विनर होते हैं और विनर का टीम को भारत दर्शन में भेजते हैं, हमारा खर्चों से भारत दर्शन को भेजते हैं। तो ये बहुत पिछले साल में आदिलाबाद का टीम का भारत दर्शन हो गया, उससे पहले का साल में खम्मम टीम का भारत दर्शन हो गया था। तो ये चीज़ जो है बहुत खास बात है हमारे पास। तो जब कोरोना पैंडमिक के समय में ऐसी सब बच्चे आर नॉट विद अस, सो आवर टीचर्स इन द फर्स्ट वेव, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ फर्स्ट वेव। सो फर्स्ट वेव होने के बाद जो बीच में जो थोड़ा समय मिली थी, वो समय के टाइम में पूरा हिफाजत लेके हमारा टीचर जो है गांव में जाके बच्चों का पढ़ाई किए, थोड़ा क्यों डाउट्स क्या क्लैरिफाई करना, तो नोटबुक्स में क्या क्या मिस्टेक्स है वो पूरा क्लैरिफाई करना, वो सब चीज़ हमारा टीचर्स ने किए हैं। अभी तो सेकंड वेव में वो नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑनलाइन में ही संपर्क हो रहा है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, तो मैं पेरेंटिंग के बारे में बोल रहा था ना, तो ये फ्यूचर पेरेंटिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन फ्यूचर पेरेंटिंग, जहाँ यू नो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है फ्यूचर पेरेंटिंग। तो ये खास करके 7 बजे से लेके 9 बजे तक उसका उससे हमारा संपर्क होगा। तो ऑल एक्सपर्ट्स विल कम एंड देन दे टीच द टेक्निक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ पेरेंटिंग। एंड दिस इज यू नो स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड देन प्रशिक्षण जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यू नो एडमिनिस्ट्रेशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रेनिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो द डॉक्ट्रिन हियर इज कैप्चरिंग द इमेजिनेशन। तो पुअर पीपल जो स्वाभाविक रूप में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको निकालने के लिए हमने वी ट्राई ऑल अवर बेस्ट टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पुअर पीपल बाई स्ट्रिंग्स ऑफ सक्सेसेस एंड देन वी चेंज द कन्वर्जेशन। आफ्टर दैट वी मेक द सक्सेस एज इनएस्केपेबल कंपल्शन। तो जब आप सीरीज ऑफ सक्सेसेस देते हैं पुअर पीपल को, उसके बाद वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ कैसे सक्सीड करने के लिए बारे में सोचता है। तो इसीलिए if you capture the imagination of poor people by series of changes, uska outcomes jab usko samajh mein aata hai tab usko zyada zor dene ka zarurat nahi hai, wo khud apne aap self propelling motion mein chale jayega samne। so and abhi tak jo main aapko bataya wo sab pura efforts hai। ab main aapko results ka bare mein batana chahta hu, abhi tak jo bataya pura efforts, kya kya mehnat ki hai, kitna zor lagaya humne। Now let me show you the results। देखिए social welfare and tribal welfare institutions में पिछले 6 साल में आप देखिए IITs में 2024 बंदे गए एंड NITs में National Institute of Technology में 368 बंदे गए, medicine में खास करके 403 बंदे गए। It is extremely impossible to get into medicine because your medical colleges are very less। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में 252 लोग गए और अजिम प्रेमजी में 106। देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग द बॉम्बे कैंपस यू हैव 43 एंड इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में 51। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 368। देन ऑल इंडिया एम्स में नर्सिंग कोर्सेज में 18। देन गोखले इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको सिर्फ एक नमूना दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दीज आर सम ऑफ द सक्सेसेस, these are some of the important successes। now let me go to the results। dekhiye aapka ssc matlab secondary school certificate 10th kaksha mein state ka average jo hai 86 aur hamara jo pass percentage jo hai 92। 12th kaksha ka that is intermediate 12th kaksha ka plus 2 ka state average pass percentage 65
65 and hamara pass percentage 85, then degree college ka aur behtar hai. Degree ka jahan hamara ladkiyan hai, so I told you, right, 30,000 girls who have postponed their marriages, English medium mein padh rahe. तो डिग्री कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ का, तेलंगाना में 7 यूनिवर्सिटीज़ है, 7 यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज जो है 42, मतलब 100 लोगों को 42 का पास हो रहा है, मगर हमारा एवरेज है 90. देखिए कितना आगे है हमारा लड़कियां. सो व्हाट डज इट से, जब लड़कियों की या लड़कियों को खास करके गरीब लोगों का अपॉर्चुनिटी देके थोड़ा अच्छा सा मोटिवेशन दिए तो देन दे विल गो टू एनी एक्सटेंट. अब देखिए मेडिसिन का तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो इसका इस साल में तो हमारा मेडिसिन का तो एकदम बढ़िया सुपर डुपर बम्पर क्रॉप हो गया. 189 पीपल जॉइंड मेडिसिन. पिछले साल में 2019 में हमारा 94 थे, अब 2020 में हमारा 189 पीपल गॉट इनटू मेडिसिन. देन एनआईटी का इस साल 192, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल 105 पीपल. Then these are some of the, they to my already bol chuka hu aapko. So Ashoka University mein 3 ladke hain, then one of the costly private universities, they gave full scholarship. Flame University mein jo Pune ke nazdeek hai to usme 2 hai, they gave full scholarship. Kriya University 2, then CLAT mein hai, CLAT pass kiye hai. Then Indian Navy and Army schools mein sailors banke hamara bande gaye. And Pondicherry Central University mein 70 log hai. Just give a kind of, you know, the, you know, panorama or, you know, spectrum of achievements of these students. And Shrestha, All India first rank aa gaya Indian Maritime University mein course mein, to hamara minister mahoday hai Sri Kopla Ishwar ji ne. To aur Indian Maritime University ka ladkiyan dekhiye itna acha khoobsurat dress pehen ke hai abhi, dekhiye gareeb log itna acha dress pehen ke ab gaon jayenge aur they start sharing their experiences. Imagine what would happen. And then let me tell you who is supporting all these studies. Government of Telangana is supporting these studies. So we are not going back. We have a beautiful scheme and then we support all these students, you know, end to end. So no question of going back on that. So this is Sushma. She's a skydiver and she studied in America, and then you know, she made all of us very proud. And then this is what I was telling, my Vishwavidyarthi program. So these many students have like, but around 200 students have joined Vishwavidyarthi program. They went to the countries like Vietnam, Cambodia, Sri Lanka, Nepal, USA, Poland, Greece, China, Russia, Malaysia, Egypt. So many of the countries they went for volunteering, and then it was really amazing. And this girl's name is Priyanka, and she is the daughter of a sanitation worker. Her father works in a police station of GD Metla in Hyderabad. So, and then she went to Community College Initiative Program, and then recently she got her GRE results out, and then she got 326 out of 340. And GRE mein koi arakshan virakshan nahi hota. Toh phir bhi 326, what does it convey? It is not the question of tell poor and they have poor ideas and poor performance. Hamesha kisi ka sahara ke liye wait karte. Bilkul nahi. जब आप बिल्कुल अगर जब आप उसका ठीक से रास्ता और ठीक से गाइडेंस दिए तो पुअर पीपल आल्सो कैन डू वंडर्स. एंड दिस गर्ल मेड ऑल ऑफ अस प्राउड बाय गेटिंग 326 आउट ऑफ 340 इन जीआर एग्जामिनेशन दिस ईयर. लास्ट वीक ओनली वी गॉट द रिजल्ट्स, एंड देन वी आर मेकिंग अवर अप्लाई फॉर सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक यू नो आईवी लीग्स एंड ऑल दैट. सो एंड दिस गर्ल सी नंदिनी, हर फादर इज ए टी सेलर, बट कंसेक्यूटिवली शी गॉट 2 गोल्ड मेडल्स इन खेलो इंडिया गेम्स, नाउ 4 गोल्ड मेडल्स in national level competitions, and one day she will definitely make India proud by becoming like Jyoti Chand or Hima Das. And these are the famous photographs like Malawat Purna, duniya mein sabse choti umar mein Everest pe kadam rakhi so ladki hai, sabse choti umar mein duniya mein abhi tak itihas mein koi bhi 13 saal ka umar mein Everest pe kadam nahi rakhe. This is the first ever girl and youngest ever girl to have scaled Mount Everest. इसके ऊपर राहुल बोस जी ने एक अच्छा सा मूवी बनाया, उसका मूवी का नाम है पूर्णा. आप कभी भी देखिए, अमेजॉन प्राइम में है वो, आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे. और इसका ये लड़का का नाम जो है आनंद, वो एवरेस्ट में जाके बाबा साहब का मूर्ति को एवरेस्ट के ऊपर लगा के रखा है. प्रॉबेबली इज द फर्स्ट इंडियन दलित. आई शुड नॉट से दिस, बट दिस इज वॉट द डेटा सेज. एंड देन राइट साइड में जो है, जो चश्मा पहन के राइट साइड में बाबा साहब का तस्वीर के राइट साइड में जो एक अधिकारी है, इसका नाम है SR शंकरन, फेमस IAS ऑफिसर है. तो ये उसके वजह से ये पूरा रेजिडेंस स्कूल्स इतना अच्छा आ गया है.
तो पूरा एस आर शंकरन जी ने पूरा अपना जिंदगी, शादी भी नहीं किया, वो अपना जिंदगी पूरा गरीब लोगों के लिए कुर्बान कर दिया. तो दैट्स वाई वी थॉट इट इज़ ए बी फिटिंग ट्रिब्यूट टू कीप हिज फोटोग्राफ ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो ये दोनों का फोटोग्राफ हमने एवरेस्ट पे लगाए. जिस एक्सपेडिशन में 18 लोगों का मौत हो गए, मगर ये दोनों बच्चे बाल बाल बच गए और कामयाबी हो गए. और ये आनंद का फोटोग्राफ है. तो देखिए, एवरेस्ट पे आनंद का फोटोग्राफ है ये. और ये हमारा क्रिकेट एकेडमी है. और दीज आर द मेडिकोस ऑफ सोशल वेलफेयर रेजिडेंट स्कूल्स इन गांधी मेडिकल कॉलेज. एंड दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइन आर्ट्स कॉलेज इन एक्शन. देन दिस इज द मूवी पूर्णास पोस्टर. एंड देन वी हैव, आई टोल्ड यू इन आवर फिल्म्स, इन आवर फाइन आर्ट स्कूल वी हैव अ फिल्म सेक्शन ऑल्सो. एंड देन आवर चिल्ड्रन इन प्रैक्टिस. सो इन फ्यूचर यू कैन सी सम ऑफ द गुड डायरेक्टर्स, from directors, actors and music, you know, cinematographers from these schools. And this girl is Shravya. She is learning flying. And but for social welfare schools, she would have become a mother by now. But she is flying. So she is undergoing training as commercial pilot. And we are really proud of her. Otherwise, her father is a plumber. But today she is making all of us proud. And this is Malavat Purna. Abhi tak duniya mein, इन सिक्स कॉन्टिनेंट्स में जितने भी हाईएस्ट पीक्स है, माउंट एवरेस्ट होगा, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट एल्ब्रस यूरोप में, अकांकवागुआ साउथ अमेरिका में, एंड कार्ट्सनेज ओशियानिया में, और विंसन साउथ अंटार्कटिका में पूरा चढ़ के आई है. ओनली वन थिंग इज लेफ्ट नॉर्थ अमेरिका में माउंट डेनाली. मौसम ठीक खराब होने की वजह से वो नहीं जा सकी. 100 मीटर से फिर वापस आ गई. But one fine morning, she will definitely go there also. So she is doing her post graduation at Usman University, and वो अपने पैसों से खुद का कार भी खरीद कर ली वो. And this is Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, you know, honoring these two Everest kids. And this is you know, our this is repeating again. And we have now, I am very happy to share with you. We have only 2 to 3 slides to go. We are very happy to share with you that we are a case study in Harvard Graduate School of Education. This is really a great honor. So Professor Bernardo Reimers made this case study, and then every year Harvard Graduate School discusses about the evolution of residential education and the challenges and the opportunities. So in Harvard Graduate School of Education, it's really a great honor. So similarly, you know, these are some of the, and then we got the State Excellence Award in 2017. I thank all our teachers, and the biska alawa to kuch nahi ho sakta. So I took, on behalf of our teachers, I took this award from our Honorable Chief Minister. And finally, this is my story. So one of the reasons why I came to welfare sector, ye sabse niche wali photo mein jo hai wo maa hai, mera maa hai wo, she is my mother. Jab wo bachchi thi, to she was a child laborer. तो सिकिल पकड़ के तो खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती थी. उसको दो टीचर्स ने, आपके जैसे दो टीचर्स ने उसको रेस्क्यू किए और उसको सरकारी स्कूल में भर्ती किए. और वो बहुत मेहनत करके एक हेडमिस्ट्रेस होके रिटायर हो गई. अभी मेरा माँ जिंदा है, एंड शी इज 17 ईयर्स ओल्ड, वेरी एक्टिव, एंड शी टुक अवर कोरोना वैक्सीन ऑल्सो. शी वॉज कोरोना पॉजिटिव, रिकवर्ड, एंड शी टुक फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड. गुड. सो नाउ, तो ये बच्चे में जो लड़का है मैं हूँ. आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली. तो बहुत मेहनत करके मेरा माँ न केवल मुझे, मेरा भाई और मेरे बहन को सबको पढ़ाई. माय फादर आल्सो इज ए स्कूल ड्रॉप आउट, वो भी एक टीचर की वजह से मैथ का टीचर बन गए. मगर वहाँ से मैं सामाजिक कल्याण हॉस्टल में, सोशल वेलफेयर हॉस्टल में भर्ती हो गया हायर एजुकेशन का. गाँव में माहौल बहुत अच्छा नहीं था. तो वहाँ से बहुत मेहनत करके मैं यूनिवर्सिटी में आ गया. यूनिवर्सिटी आने के बाद मैं बहुत मेहनत करके एक आईपीएस ऑफिसर बन गया. आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद मेरा माँ, मैं बोला मैं तो आईपीएस ऑफिसर हो गया, मेरा भाई एसोसिएट प्रोफेसर है, और मेरा सिस्टर जो है डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर. सो मैं आईपीएस ऑफिसर हो गया हूँ. आईपीएस ऑफिसर होने के बाद मैं सिर्फ मेरे अपना खानदान के अगर देखभाल किया तो मैं शायद बाबा साहब का विचारधारा को मैं शायद आई वुड हैव यू नो डिच्ड.
मैं द्रोह द्रोह मतलब द्रोह को हिंदी में क्या शब्द है मुझे मालूम नहीं है, द्रोह करता था. तो आई डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट बाबा साहेब, आई डिड वांट टू डिसअपॉइंट महात्मा ज्योतिराव फुले, आई डिड वांट टू डिसअपॉइंट माई सावित्रीबाई फुले, आई डिड वांट टू डिसअपॉइंट देम, बिकॉज वो लोग मेरे माँ जैसे लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को गरीबी से बाहर लाने के लिए, सम्मान के जैसा जीने के लिए वो लोगों को, वो लोग बहुत बलिदान किए, कुर्बान किए, शाहू महाराज सभी लोग. तो मैं जब सिर्फ मेरे खानदान के यू नो तरफ अगर इफ़ आई स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड माय ओन कंफर्ट्स, इफ़ आई स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड माय ओन जॉब, माय ओन पोजीशंस, प्रॉबेबली आई विल बी डूइंग ग्रेट डिसर्विस नॉट ओनली टू माय सेल्फ, नॉट ओनली टू आवर यू नो द फाउंडिंग फादर्स, बट ऑल्सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पर्टिकुलरली द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 एंड देन आर्टिकल यू नो 15, 16 ऑल दोस थिंग्स. सो एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसीलिए मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में रह के भी कुछ कर सकते करके आई हैव टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन. ये नहीं है कि मेरे को कोई पोस्टिंग नहीं दिया, कोई सस्पेंड किया, इसीलिए मैंने इसमें आ गया. नो 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 नो, आई हैव वॉलंटियर्ड टू कम टू दिस पोजीशन. जब आने के बाद, जब बचपन में जब एक पैसा, एक रुपया, दो रुपया, पाँच रुपया पॉकेट मनी देने के लिए मेरा माँ बहुत रोती, मैं रोता था. मैं सिर्फ क्यों एक रुपये के पॉकेट मनी के लिए इतना घर में इतना बातचीत हो रहा है. आज माई डियर फ्रेंड्स, when I sign the checks in my office, I sign the checks worth 89 crores per month. 89 crores per month. The checks go for salaries, the checks go for the power the government gave me. The power, the authority the government gave me. So what I'm trying to tell you is, you have lot of potential as teachers, as directors. You don't have to be an IAS officer or IPS officer. You don't have to be a great genius to help the poor people, to help the marginalized people, to help the women, to help the children in rural areas, to help the orphans. No, all you need to have is the junoon, uncompromising junoon. Wo junoon, the undying passion jo hota hai na, jisko wo nahi bujhti hai, jab aap sone ke baad bhi nahi bujhti hai, tab आप बहुत सारे खर्च कर सकते हैं. तो आप सिर्फ यू नो आईएएस आईपीएस महाराष्ट्र सिविल सर्विस को भरने का जरूरत नहीं है. सो ये चीज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी जो है इसके थ्रू आई एम एबल टू हेल्प लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. बिना गवर्नमेंट का सपोर्ट, बिना मिनिस्टर का सपोर्ट मैं ये नहीं कर सकता. मगर वो लोग भी समझ रहे हैं कि अरे ये आदमी का कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा तो फिर सामाजिक कल्याण का एजेंडा है. तो इसमें फिर गवर्नमेंट का एजेंडा वही है, हमारा एजेंडा भी वही है, फिर भी इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया, तो आप सब लोगों को भी सपोर्ट करेंगे. आज द वेरी फैक्ट दैट यूर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैम हैज कन्वीन्ड सच ए वंडरफुल प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू, यू नो टेल्स द फैक्ट दैट यू नो दैट दे ऑल्सो वॉन्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. एंड फाइनली this is what I deeply believe, opposite of life is not death, it is indifference. Jab log mein log dard mein hai, aap aankh band nahi kar sakte, you have to open your eyes, you have to extend the helping hand. With these few words I thank you. I have no words to describe the kind of patience and then the empathy that you have shown, and I thank you ma'am, and I consider this as a huge honor. I thank you very much for your patient hearing. And I wish you all the very best. And then I'm open for any suggestions. I might have spoken something wrong. Please forgive me for that. And then I might have been very immature. I made some controversial statements, but I deeply believe in them. And then I'm willing to be corrected if they are really wrong. So thank you very much. And then I hope to. I look forward for you know suggestions. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. This has been absolutely. Very, very inspiring show, and I can add that everybody is just writing that and everyone is inspired hai with this. Yeah. I mean, I think all of us are having goosebumps with this presentation. Itna acha, matlab, we are all really inspired, and we all want to learn something from this area. Mein bhi karna chahte hain. Unfortunately, I know there are many questions iske baad bhi, but we need to close the session. So with that, I would like to actually request now Joint Secretary Dr. Suvarna Kharath. Ma'am, if you can please give us the vote of thanks, and with that, we would be able to close the session. Before that, just checking, ma'am, ACS ma'am, would you like to share something? Yes, I would like to. I think, I also have goosebumps, Dr. Praveen. Thank you, ma'am. You have given us an amazing session because it is your own journey. You explained very well
आपने बहुत अच्छे से बताया, आपने हिंदी में बताया, तो बहुत सारे हमारे जो बंधु यहाँ ज्वाइन किए हैं वो आपकी बात समझ पाए, और आपने हमें कई रास्ते भी दिखाए, आपने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहनत की दाद देनी चाहिए। जितना काम आपने 9 साल में किया है, रियली इट इज आउटस्टैंडिंग। सो हमें बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि आज आप हमारे पहले स्पीकर हैं, और मैं आगे भी आपको बुलाऊंगी बीच बीच में, और जब आपके बच्चे आते हैं, मैंने देखा औरंगाबाद में बच्चे आते हैं आपके, तो उस ट्रिप में जब भी बच्चे अगली बार आए प्लीज हमें बताइएगा, हम उनको हमारे बच्चों से भी मिलवाएंगे उस एरिया आप में जो गाइड भी करते रहना मैम, हम बहुत छोटे आदमी, आप गाइड भी करते रहना हमको, सो प्लीज डू गाइड अस। आप बहुत बड़े हैं, आपने बहुत, और आपको बहुत, मुझे लगता है आपको आपको बहुत आशीर्वाद है कि जो इतना काम आप कर पाए। कितने लोग मेहनत करते हैं लेकिन सभी को ये फल नहीं मिलते। और आपने कुछ जो आइडियाज दिए ना, टीचिंग असिस्टेंट वाला शायद एक प्रश्न भी किसी ने पूछा, क्लास में उनको क्लास लीडर, मेस लीडर, ग्रुप लीडर, गेम लीडर आपने जो बनाया, एक आपका वो टॉकेथॉन का जो आइडिया है कि भाई रूम में बंद कर दो और बोलोगी बोलो, गलत जितना बोलोगे उतना आपको प्राइज मिलेगा, आई थिंक दैट वॉज फैंटेस्टिक। इंग्लिश प्लस क्लब, स्कूल विजिट्स, विदेश के विजिट्स, और जो आपने मंत्र दिया एंड में कि कैप्चरिंग द इमेजिनेशन, फिर यू नो स्टार्ट द चेंज इन द कॉन्वर्सेशन एंड देन लीडिंग देम टू सक्सेस, आई थिंक दैट आई हैव ऑल्सो लर्न दैट परहैप्स मेरे एफर्ट में भी कुछ कमी रह गई, आई नीड टू फोकस हार्डर ऑन दीज थिंग्स। एंड आई एम श्योर कि जो जितनी हमारी टीम आज यहाँ आपके साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर आपसे दिया है, और हम आपका टॉक जो है हमारे वेबसाइट पे भी डालेंगे ताकि हमारे सारी टीम सुन पाए, और हम आपको यहाँ फिजिकली भी बुलाएंगे, कभी आप आइएगा और हमारे स्कूल्स में बैठ के आप बच्चों से भी बात करिएगा। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपर्णा, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू मैम। सर प्रवीण कुमार सर, अभी मैं आपको किस शब्द में मैं कहूँ, आपको आभार कैसे प्रकट करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा है। बस मैं आपको, आपको आपने जो भी काम किया है उसके लिए प्रणाम करना चाहती हूँ, और बहुत हम आज इंस्पायर हुए हैं, आपने जो भी हमें आज मार्गदर्शन किया है, इस जो स्फूर्ति का जो पहला हमारा आज का सेशन था उसमें, वो बहुत ही हम सब आपने जो काम किया है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 साल में कितनी मेहनत से आपने ये सारे इंस्टीट्यूशंस को खड़े किए हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन अगर उसको आप ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके पीछे आपको बहुत सारी मेहनत, और जो आपने जो अभी मैसेज दिया कि हार्ड वर्क, ये आपका जो है उसके नतीजे ये सब हमारे सामने आज दिख रहे हैं। सर हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं, और हमारे राज्य को आप जैसे अधिकारों की मार्गदर्शन की हमेशा जरूरत रहेगी, और आप कृपया हमें आपका मार्गदर्शन हमें इस तरह से करते रहिए बस। और इसके बाद मैं, हमारे जो मंत्री जी है नवाब मलिक जी, उन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं भेजी है, कुछ तांत्रिक कारणों की वजह से वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं उन्होंने यहाँ पे फोन पे भेजी हुई है। हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैम है सोनिक मैम, वो भी हमारी बहुत ही प्रेरणा स्थान रही है, उनके ही मार्गदर्शन के मार्गदर्शन से हम लोग स्किल्स में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, और उसका ही स्फूर्ति, उसका ही एक परिणाम है। इसके अलावा हमारे जो कमिश्नर है दीपेंद्र जी कुशवाहा जी, और हमारे संचालक है मिस्टर दिगंबर दर्वी जी, और मेरे जो मंत्रालय के कलीग है मिस्टर मांडवे, मिस्टर भोसले, और यहाँ के हमारे सर्व ऑफिस जो भी अफसर है, और हमारे जो DVOs है, जो जॉइंट डायरेक्टर्स है, जो डेप्यूटी डायरेक्टर्स है, जो ITI के प्रिंसिपल्स है, जो एम्प्लॉयमेंट के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स है, डेप्यूटी कमिश्नर है, मैं उन सब की तरफ से आपकी बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ यहाँ पे। और हम ये आपका जो आज का सेशन रहा है उससे हम यही स्फूर्ति और यही प्रेरणा लेके ये साल में हम हमारा काम शुरू करेंगे। हमारे जो ITIs है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर्स है, वो किस तरह से इन सब प्रॉब्लम्स को समझे, इस आपने जो भी एजुकेशनल कमिटमेंट, जो भी आपके जो 10 कमांडमेंट्स है, वो भी हम किस तरह से हमारे
इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाए और एक बदले हुए इंस्टीट्यूशंस हम हमारे स्टेट में निर्माण करें, इस उम्मीद के साथ मैं आज का ये आपका जो प्रोग्राम था उसके लिए फिर से एक बार हमारे जो कौशल्य विकास विभाग है उनकी तरफ से देती हूँ, और हमारी स्मिता है जो यूएन वुमेन की तरफ से हमारे यहाँ एडवाइजर के काम कर रही है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को अरेंज करने में बहुत मेहनत ली है, आरुषि है जो हमारा सब टेक्निकल विंग संभाल रही है, और जो भी इस काम से आज जुड़े थे उन सबका मैं बहुत ही, हमारे जो एनॉस सोसाइटी है, जो MSSDS है, और जो हमारे जो भी ऑफिस जो फील्ड ऑफिसेस है उन सब से मैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीबडी, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मुझे लग रहा है आज का सेशन सच्ची में हम सबको बहुत स्फूर्ति ही मिला है, ट्रूली वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग उस वर्ड का, क्योंकि सर आपने रियली वो जगाया है हम सब में, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ अ ग्रेट लॉन्च ऑफ स्फूर्ति, थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्पेशल थैंक्स टू सर फॉर मेकिंग दिस अ वेरी सक्सेसफुल सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू।